नवी मुंबई खारघर गुरुद्वारा कमेटी ने कुछ लोगों पर यह आरोप लगाया है कि वो गुरुद्वारे में आके अपनी मनमानी करते हैं और गुरुद्वारे के जो मेंबर चुनकर आए हैं उनसे बदतमीजी करते हैं। गुरुद्वारा कमेटी के सभी मेंबरान ने एक लिखित शिकायत पुलिस में दी है और वो चाहते हैं कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उन्हें इंसाफ मिले। जब इलेक्शन हुए सितंबर 19 में, उससे पहले 12 साल इलेक्शन हुए नहीं थे। हमने 3 साल केस लड़ा जाके और ये ऑर्डर किया कि यहाँ पर इलेक्शन हो। इलेक्शन में हमारा जो ग्रुप जीत के आया, जो दूसरा पार्टी हार गई, उनको हजम नहीं हुआ हरी जो है वो हमें तंग कर चालू कर दिया। विद इन 1 month दे असॉर्टेड आवर 1 member हरविंदर सिंह अलॉन्ग विद बाइक एंड फर्स्ट दे जस्ट वेट टू कॉल असॉर्टेड इन देन दे वेट टू पुलिस स्टेशन विद सर में डिक्स इंजरी एंड राज फॉर एफआईआर नंबर 404 एंड वॉट इन 10 members आउट कमेटी मेंबर्स हु वर इवन नॉट प्रेजेंट देयर Give her a residence. Then God was with us. We went to see this DCP, he was a very good person. I said, you just see the CCTV footing and decide. When he saw the footing, he was surprised. तो कहते मान साहब बोले जो आपका वहाँ पर फोटो ही नहीं है तो आपका नाम क्या दे दिया। मैं आप उनसे पूछिए। फिर उन्होंने पूछा भी ये क्या बात है, आपने 10 नाम का नाम दिया, 2 आदमी यहाँ पर वही 2 आदमी को आपने मारा है, बाकी आप तो है ही नहीं है, अब हवा उठ गया क्या। कमेटी चुन के आया रजिस्टर्ड और हम 15 member थे, उसमें जो एक खारघर गुरुद्वारा, ये जो जसिंदर सिंह छियाणी था ये प्रधान था हमारा, ये हमारे को सबको टॉर्चर कर रहा था, मतलब अपनी हुकूमत चला रहा था कि गुरुद्वारा नहीं चला रहा था। कोई भी ऐसा आदमी आपको 15 member में से नहीं मिलेगा जिसको टॉर्चर नहीं किया उसने। तो हम लोग कमेटी को चला रहे थे, उसको साथ में आगे लेके जो इलेक्शन हुआ है, कमेटी को 15 आदमी को वोट पड़ा था, ना कि 1 आदमी को वोट पड़ा है। उसके ऊपर हमने उसको हमने समझाने की कोशिश किया, 3 साल समझाते रहे, पर उसके बाद भी वो टॉर्चर करने नहीं रुका। फिर हमने प्लॉट देने की बात किया, फिर उसके बाद उसने क्या किया कि पैसा जो इकट्ठा कर रहे थे प्लॉट के लिए, तो 5 lakh एक परमजीत सिंह छैणी है उससे ले लिया, वो हमारी कमेटी को मालूम नहीं है। और वो चीज़ का गुरचरण सिंह सिद्धू जो हमारा कमेटी मेंबर है, उनके साथ में उसके घर पे गया, उसकी वाइफ ने लेके पैसा इनको दे दिया। जब भी पैसा हमारे को वापस, हमारा प्लॉट का कैंसिल हो गया, तो जब भी पैसा हम लोगों को वापस करने लगे भी प्लॉट कैंसिल हो गया, हमने पैसा नहीं चाहिए गुरुद्वारा में, तो आप पैसा वापस लेके जाओ, जब भी हमने कॉल किया तब हमारे को पिक्चर, उस आदमी ने बोला कि मैंने 5 lakh rupees कैश दिया है। तो हमने बोला कि हमारी कमेटी को नहीं मालूम भाई, ये जसविंदर सिंह जाने, गुरचरण सिंह सिद्धू जाने या तुम परमजीत सिंह जाने, तो तीनों के बीच में हमारे गुरुद्वारा में आए, उन्होंने बोचर में लिख दिया जो 1 lakh rupees का चेक दिया था। हम बोला हमारे को तुमने चेक दिया, हम चेक तेरे को वापस दे रहे हैं। जब भी उसको चेक वापस देने लगे तो उसने उसके बोचर के ऊपर लिख दिया कि मैंने 5 lakh rupees कैश वापस लेना तुम्हारे से, वो प्रूफ है हमारे पास, हम आपको प्रूफ देंगे। उसके बाद वो बात चलती चलती फिर उसने कमेटी तोड़ने की बात करने चालू कर दिया। फिर हमने जसविंदर सिंह बोलता मेरे को लिखती में, मेरे ऊपर जो कंप्लेंट है लिखती में दो, तो कम से कम 18 गलतियाँ किया उसने, जो हमने चैरिटी में लेटर दिया हुआ है और पुलिस चौकी में लेटर दिया है। उसके बाद इस आदमी ने फिर भी हमारे को कोई जवाब नहीं दिया आज तक, जैसे हमने उसको लेटर डाला भी ये गलतियाँ किया तुमने, माफ़ी मांग, नहीं तो हमारे आगे सफाई दे कमेटी को, उसने उसका जवाब नहीं दिया। उसने सीधा पुलिस चौकी में जाके हमारे ऊपर कंप्लेंट कर दी भी ये लोग मेरे को जानबूझ के कर रहे हैं, और पुलिस की तरफ से हमारे को कोई सपोर्ट नहीं है, पुलिस हमारे से धक्का कर रही है। कमिश्नर तक हम पहुंच किया है, कम से कम हमने 10 या 15 letters डाले होंगे कमिश्नर तक, और कोई सुनाई नहीं हुआ हमारा, हमारा उल्टा हमारे को जेल भेज दिया। हमारे आदमी के ऊपर अटैक हुआ, औरत के ऊपर और आदमी के ऊपर, हम 2-3 आदमी छड़ाने वाले थे, भाई साहब तो अंदर बैठे थे गुरुद्वारा में, और दूसरे हमारे सेक्रेटरी साहब जो पंजाब में गए हुए हैं वो भी अंदर बैठे थे कैमरे में, और एक माता जी थी वो भी कैमरे में, तो उनके भी नाम घर पे बैठे में लिखा दिया। तो हमने उसी दिन लेटर दिया पुलिस को भी इसकी इंक्वायरी करके एफआईआर की जाए, पर उन्होंने कोई सुनाई नहीं किया। इनका ऊपर दादर से इतना जोर है, दादर सब चीज़ जो कर रहा है वो दादर वाला कर रहा है, रघुवीर सिंह जी, उन्होंने सारा कंप्लेंट इधर किया, कमिश्नर को भी बोला कि तुम इंटरफीर मत करो, इनको बोलो तुम्हारा केस कोर्ट में चल रहा है। अब ये बताओ कि जब आदमी एक गलती करी जा रहा है उसके ऊपर कमेटी 15 आदमी एक साइड में है, वो अकेला आदमी एक साइड में है, वो आदमी अभी भी आज भी वो गुंडागर्दी कर रहा है गुरुद्वारा में। और हम लोग अभी 2 महीना पहले भगवान की कृपा से हमने सेवा किया, ये गांव गया हुआ था, और सब पूरी मार्केट में मालूम है, यूट्यूब में आप लोग भी आए हैं,
राशन भी बांटा, ऑक्सीजन भी बांटा गुरुद्वारा की तरफ से। अभी जब से आया उस दिन से इसने हमारा सारा काम स्टॉप करके धक्के से मतलब गुरुद्वारा में, इसने हमारे जो मैनेजर साहब है निक्की जी, इनसे सतनाम सिंह ने जो के पहले पुराना प्रधान है उसने बुक छीना, उसको पहले बहाने से बोला कि भाई तो हमने पर्ची कटवाना है, रसीद जो कटवाते पैसे माया की, तो उसने बोला मेरे को पर्ची कटवा के दे। तो ये दोनों अंदर बैठे थे, मैंने वीडियो भी दिखाया है, आपको भी वीडियो दे देंगे उसका। तो इसने पर्ची काटने के लिए उससे दरवाजा खुलवा के पर्ची निकाला और पर्ची छीन लिया और उसने विक्की ने उससे ले लिया वापस। फिर जसविंदर सिंह जो निकाला हुआ है प्रधान, उसने खड़े उसके हाथ से जोर से वो बुक छीन के अपने कब्जे में कर लिया, उसको धक्के देके बाहर निकालने लगे। फिर हमारे भाई साहब बाद में आए, उन्होंने पूछा भी तुम पर्ची लेने वाला कौन है, बोलता तुम भी बाहर जाओ, इनको भी धक्का मार के बाहर निकाल दिया। फिर भी हम लोग शांत रहे, हमारा कोई भी आदमी झगड़ा करना नहीं चाहता, क्यों एक पुलिस चौकी में हम जाके जब इधर पुलिस सुनाई नहीं कर रही हमारी, हम कोई भी कंप्लेंट देने जाते हैं पुलिस वाले बोलते हैं इंक्वायरी करेंगे, अभी तक उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं है और कोई सीसीटीवी फुटेज देते हैं हम उनको वो लेके रख लेते हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। हम आपके पास हमारा जाने का कोई मतलब नहीं था, हमने आपको भी बोला था, पर हम दुखी हो गए अभी गुरुद्वारे के अंदर जो हो रहा है, हम गुरुद्वारे को एक न्यूज में लाना नहीं चाहते थे, क्यों ये भगवान का घर है, इसको अजय अच्छे के लिए है ना कि किसी का बदनामी करने के लिए, पर अभी हमारे हाथ खड़े हो गए हैं, हम तो हमारे आदमी तो कमेटी छोड़ने के लिए भी तैयार है, इतने दुखी हो गए। पर उसके बाद भी इतना वो आदमी टॉर्चर कर रहा हमारे ऊपर, वो क्या धमकी देते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर FIR करवाएंगे, वो क्या करते हैं झगड़ा करते दो आदमी वो अपना काट के सीधा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, तो पुलिस उसके लिए कार्रवाई नहीं करती। जो CCTV कैमरे लगाए हैं हमारे हिसाब से उसका कोई फायदा नहीं है, जो हमने इतना खर्चा किया गुरुद्वारा में, जब वो आगे पुलिस ने देखना नहीं है, जब न्यूज कोई भी आदमी आगे देखेगा नहीं उसका, तो कैसे मालूम पड़ेगा कौन झूठा कौन सच्चा है। आज तक जितने केस बने हमारे ऊपर, एक पहला केस बना था उसका उसने फुटेज देखा, उसमें हमारे 8 आदमी नहीं थे, निकाल दिए, वो भी हमने पूरा प्रेशर डाल के। अभी इस टाइम उसने सीधा हमारे ऊपर FIR हमने करवाई 15 आदमी के ऊपर, तो गिरफ्तार हमारे को कर लिया, मेरे को गुरुद्वारा में आके पहले सुबह गिरफ्तार किया उन्होंने स्पेशल, और उसके बाद मेरे आदमी सब बुला के सुबह एतवार को बंद किए। 10 दिन बाद हमारी बेल हुई और ये लोग 15 आदमी जिन्होंने हमारे ऊपर पहले अटैक किया हमारे आदमी के ऊपर और औरतों के ऊपर, हमने किसी ने किसी को हाथ नहीं लगाया वहाँ, सब हमने उनको फोटो दे रखा है। उसके बाद भी हमारे को गिरफ्तार करके हमारे को अंदर डाला, उनको कुछ नहीं बोला, इनकी 15 दिन के बाद बेल हुई है, अभी भी बेल उनका बाकी है, अभी भी उनका 6 आदमी का, 4 औरतें हैं और 1 आदमी है जसविंदर सिंह जो है, उसका बेल नहीं हुआ, अभी तारीख पड़ रही है, उनको एंटीफिकेशन बेल मिला हुआ है, बाकी 6 आदमी को बेल मिला है जो अभी ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। चैप्टर केस भी पुलिस ने हमारे ऊपर बना दिया और हम खड़े समझो मार खा रहे हैं, उसके बाद भी बराबर का केस हमारे ऊपर बन रहा है, एक चीज से हमारे को बहुत तकलीफ है। एक ही है जो लड़ाई के बारे में बात करते हैं, लड़ाई के बाद में अगर हमारी गलती थी तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों जाके एडमिट होते हैं, तो प्राइवेट हॉस्पिटल मैनिपुलेट हो जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मैनिपुलेट नहीं होते हैं। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई जाते नहीं मेडिकल के लिए, प्राइवेट में जाते हैं और पुलिस वाले मैनेज हो जाते हैं इनसे, पुलिस वालों को मैनेज करके उनकी रिपोर्ट सपोर्ट करके ये कोर्ट में पेश करते हैं। इनको जो अभी लेटेस्ट जामीन मिली है, ये हमारे सामने जो IO हैं वो भी वापस आ गए, सब आ गए, उसके बाद में उनको जामीन दे दी गई, जबकि कोर्ट बोर्ड पे केस बोर्ड पे आया ही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये सब चीजें हैंड इन ग्लोव है, अननेसेसरी प्रेशर है पॉलिटिकल सर्कल से, पुलिस सर्कल से, सब तरफ से ये गुरुद्वारे के ऊपर बेसिकली कब्जा चाहते हैं, जबकि हम लोग इलेक्टेड कमिटी हैं, चैरिटी कमिश्नर ने खुद इलेक्शन करवाई हैं और ये पहली इलेक्शन चैरिटी कमिश्नर ने पूरे न्यू बॉम्बे में करवाई है, फर्स्ट टाइम ये इलेक्शन हुई है और इनको इतनी मिर्ची है उसके अंदर में कि ये लोग कैसे आ गए हैं। ये जो वोट, हाँ हाँ, ये जो गुरुद्वारा साहब में कभी वोटिंग का कम होता है, होता नहीं है, लेकिन जरूरत क्यों पड़ी हमको, जरूरत ऐसा पड़ी कि हमारे गुरुद्वारा के अकाउंट से पर्सनल नामों में, नाम के ऊपर 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, ऐसा करते करते 48 लाख रुपीज जो है गुरुद्वारा के अकाउंट से पर्सनल में निकल गया। पर्सनल में जाएगा तो गुरुद्वारा से पर्सनल के नाम पे जाने का कोई मतलब नहीं, तो चैरिटी है
तो उसके लिए सब हमने इंक्वायरी किया, उसकी स्टेटमेंट आज भी हमारे पास है, हम ऐसा नहीं आपको दे सकते हैं कि किस पर्सनल लोगों के। फिर उसके बाद हमने जो सीए से तो करवाना ही था, इंटरनल ऑडिट करवाया, हमारे जो कॉमन बंदे थे गुरुद्वारा से हमारी संगत के अंदर, उनसे एक ऑडिट करवाने के बाद 20 लाख रुपया फिर भी निकला उनके ऊपर कि जिसका कोई पता ठिकाना नहीं है, कोई उसका वाउचर नहीं है, कोई नहीं बना हुआ, 20 लाख रुपया। तो उसके बाद फिर कोर्ट में ये केस गया, तो कोर्ट ने फिर करवा के वोटिंग करवाई है। अब वोटिंग के अंदर तो फिर संगत को, पब्लिक को जब पता चल गया तो संगत ने उनको वोट नहीं दिया, उनके साथ नहीं था, तो हमारे को, हमारी पूरी पार्टी को, पूरी टीम को जो है ना वो जिता के किया। हमारे टीम के अंदर ही थे जसविंदर सिंह जो थे, पर ले ए लोग का हमने, हमारे साथ वो प्रधान थे, लेकिन इसका जो बिहेव था हर एक बंदे को, जब मतलब ये चैरिटी है, ये गुरुद्वारा है, वो गुरुद्वारा नहीं समझता था, वो ये समझता था कि ये कंपनी है और मैं इसका ऑनर हूँ, बाकी जो सेवा कर रहे हमारे बाकी के साथ वो मेरे वर्कर है, वो ऐसा बिहेव करता था हर एक को। तो लोग नहीं बर्दाश्त करते थे, हमारी संगत लोग जो है सेवादार थे हमारे, मेंबर कमेटी के, नहीं बर्दाश्त। धीरे धीरे उसको बहुत समझाया, 6-8 महीने, 1 साल 1.5 साल निकाला, तो उसके बाद में लास्ट फिर उसका, उसने गलतियां जो की हुई थी 18 गलतियां उसको लिख के दी, कोई जवाब नहीं दिया उसने, तो लास्ट ये हमको स्टेप उठाना पड़ा कि उसको बोला ये जहाँ तो 5 लाख का सबसे बड़ा मेन मुद्दा तो ये है इसका, और बाकी 17 का जवाब दे तो तेरी कुर्सी खाली पड़ी, आपके अपनी प्रधानगी की सीट संभाल लेना, नहीं तो तू साइड पे रह। तो उसको पूरा करके अब कोर्ट के अंदर केस चालू है, लेकिन ये इधर जहाँ पे दादागिरी पूरा कर रहा है, दादागिरी आदमी लेके बुक छीन लिया, पैसे की कलेक्शन कर रहे हैं, और अनऑथराइज कमेटी की इजाज़त के बगैर, कमेटी की किसी भी स्टैंप के बगैर अपनी जो कैश मीमो वाली बुक होती है, जो रसीद बुक है जिससे कैश इकट्ठा किया जाता है गुरुद्वारा का, जो चढ़ावा आता है, वो उसने अपनी नई बुक छुपवा लिया, जो एक बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि हमारे पास जो हमारी कमेटी है, जो हमारे कैशियर साहब है, उनके हाथ में है सारा कुछ, वो छुपवाते हैं, अगर जरूरत होती है तो कमेटी से इजाजत लेके पूरी से फिर छुपाया जाता, वो अकेला छुपा के अकेला पैसा। जो कमेटी है 2017 में चैरिटी कमीशन की देख रेख में इलेक्शन हुई, मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव ने ये इलेक्शन करवाई पूरी देख रेख में, और उसमें 2 पैनल बनाए थे, ए पैनल और बी पैनल। ए पैनल हमारा पैनल था, बी था ओपोजिशन का, तो ए पैनल उसमें विजयी हुआ, विजयी हुआ तो उन्होंने इलेक्शन घोषित कर दी। उसके अंदर 15 मेंबर थे, जो उनमें से सबसे पहले जो सेक्रेटरी था वो भी इन्होंने, जो सतनाम सिंह मान जिसको पहले प्रधान सिंह से निकाला गया था, पहला पुराना, उसने हमारे उसको मारा ऑफिस में दरवाजा बंद करके, तो वो भी केस हमारी चालू है, उसका भी FIR हुआ हुआ है। वो बंदा बाद में, उसका लड़के की ट्रांसफ़र होगी दिल्ली, और अकेला ही था, वाइफ की डेथ हो गई थी, तो वो भी साथ में अपने लड़के के साथ दिल्ली जाकर सेटल हो गया। यहाँ से सेक्रेटरी की जॉब से उसने रिजाइन कर दिया, रिजाइन करने के बाद में सेक्रेटरी की पोस्ट वेकेंट हो गई थी। अगर इलेक्टेड मेंबर रिजाइन कर देता है, चला जाता है, तो हमारे जो रेगुलेशन हैं गुरुद्वारा के, उसमें कोऑप्ट करने का एक प्रावधान है, तो उस टाइम एक मेंबर को कोऑप्ट करना था, वो कश्मीर सिंह को जसविंदर सिंह सैनी ने, जो खुद उन्होंने प्रपोज किया भाई इनको सेक्रेटरी बनाओ, और वो चीज़ हमारे रेगुलेशन उसके बारे में पास हुआ है, और रेजुलेशन पास होकर इनको एज ए सेक्रेटरी मेंबर लिया गया। पूरी कमेटी, मतलब उन्होंने प्रपोज किया, सारी कमेटी ने माना, सहमति पूरी मेजोरिटी के साथ, मेजोरिटी के पूरी कमेटी 14 आदमी यूनैनिमसली जो इलेक्शन हुई इनकी, प्रपोजल उसने किया, सबने यूनैनिमसली बोला भी ठीक है हमको मंजूर है, तो इनको सेक्रेटरी लिया गया। जो आप बोल रहे भी साहब, पहले आपका नाम था, इनका नाम बाद में ऐड किया, मगर ये वोटर हैं, ये रजिस्टर्ड मेंबर हैं गुरुद्वारे के, पर वो कमेटी में तब लिया गया। हमारे तो बस इतना ही, सभी से जो भी घर घर निवासी हैं, संगत है, सबसे निवेदन है कि हमें घर घर गुरुद्वारे में शांति चाहिए, किसी भी प्रकार का वहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, धार्मिक स्थान है। अगर गलती हो सकता है दोनों पक्ष से हो, किसी एक पक्ष से हो, मगर किसी एक को दिल बड़ा करना चाहिए, झगड़े की बात सबसे पहले ख़त्म करनी चाहिए। और अगर बायलॉज के हिसाब से गवर्नमेंट ने, अलीबाग जो चैरिटी कमीशन ने हमारा इलेक्शन कराया था,
हमें 5 साल के लिए चुना गया और हम उसके लिए सेवा जो हमें दी गई शायद भगवान की मर्जी थी तो ही हमें चुना गया, हम सेवा कर रहे आए तो हमारा जो पीरियड है उसे हमें पूरा करना चाहते हैं। अगर ये नहीं करने देना चाहते तो इनकी जो दादागिरी है, जो ये झगड़ा करते हैं, तो हम झगड़ा नहीं कर सकते क्योंकि कोई सामाजिक काम, धर्म का काम झगड़ा करके नहीं किया जा सकता। कोई पर्सनल या मेरा कोई पर्सनल काम नहीं है, यहाँ पर जो कर रहा है वो सेवा है, काम नहीं कर रहे। मेरा पर्सनल होगा तो मैं झगड़ा करूँगा, जब मेरा पर्सनल नहीं है, हमें गुरुद्वारे में सेवा करना है तो सेवा के लिए झगड़ा वो उचित नहीं लगता है। उसके बाद हमारे जो प्रधान जी हैं उन्होंने जब भी आज से हम 3.5 साल हो गए कमेटी चला रहे थे, बड़ा अच्छा चल रहा था। विवाद तो सब जगह होते हैं, हर घर में भी विवाद होता है, हर कंपनी में होता है, मगर वो हमारे साथ ऐसे जो व्यवहार कर रहे थे जैसे वो एक कंपनी चला रहे हैं और कमेटी मेंबरों के साथ उनका ऐसा बिहेवियर था जैसे कि वो बॉस है और हम सब उनके कलीग काम कर रहे हैं ऑफिस में और शायद हमको सैलरी दे रहे हैं। तो वही सब हमारी शिकायतें थी उनके साथ में कि आप जो आपका बिहेव है वो सही करो। और वो समय पे बुलाते थे, ये है वो है, उसके बाद में मैं बाद में करूँगा, ये करूँगा, तो हमें ऐसा लगता था कि हम किधर जॉब कर रहे हैं। वो सब चीज़ से हमने उनको शिकायत की थी। यहाँ से हमारी जो शुरुआत हुई, हल्की फुल्की शुरुआत हुई, कोई बड़ी बात नहीं थी। उस बात का उन्होंने इशू बनाया कि मैं क्या गलती है मेरी, मुझे लिख के दो। अब लिख के दो तो हम लोग लिख के कहते हैं, आपको बता रहे हैं हम सब लोग, सब कमेटी मेंबर 15 कमेटी मेंबर है, 15 में से 14 आदमी आपको बोल रहे हैं कि आपका ये शिकायत है हमको आपसे, तो उसको आप दूर करने वाले लिख के दो। अब लिख के दे दिया तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। जब जवाब नहीं दिया तो हमारे जो 15 बंदे चुन के आए थे, प्रधान जी को छोड़ के बाकी 14 बंदे थे, उन्होंने 14 आदमी ने साइन मार के उनको एक लेटर पे दिया। 18 क्वेश्चन थे, 18 या 20 क्वेश्चन थे हमारे, जिनका उन्होंने ना जवाब रिटर्न में जवाब दिया और ना अर्ली जवाब दिया, और ना उन्होंने हमको फ़ोन करके बुलाया कि आओ बैठो भाई, किस चीज़ पे हमारा डिस्प्यूट है हम उसको दूर करते हैं। तो अगर वो हमारे बॉस थे या हमारे प्रधान थे तो उनका काम था कि अगर उनसे हम नाराज हैं वो हमें बुलाए, बिठाए और हमारी नाराजगी दूर करें, इतनी सी बात थी। जब उन्होंने इसको दूर नहीं किया तो हमने डिसीजन लेके उनको प्रेसिडेंटशिप से डबल कर दिया, डिसमिस किया। Thank you.